हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3B को पढ़ने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आप बिना पेन उठा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये सब कुछ आज हम अभी आपको बताएंगे, पहले बेसिक बताएंगे, फिर एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या ईजी ट्रिक रहेगा, ये सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरीके से सारी वीडियो मिलती रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, आखिरी में आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया है या नहीं आया, तो कमेंट करके जरूर बता देना और लाइक जरूर करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा इसका बेसिक समझ लो। ये जो समरी आपको दिख रही है ना, इस पूरी समरी को आप अच्छे से पढ़ लो और जहां जहां जरूरत पड़े आप उसको रट भी लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। चलो, यहाँ पे जो पहला पॉइंट ये कह रहा है, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कोई नंबर अगर 2 से, 3 से, 7 से और 8 से एंड हो रहा है, या फिर समझो ऐसे किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे कह रहा है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है और वो ऑड है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब आप कुछ ऐसे समझो, अभी समझाते हैं आपको। सपोज डेट हमारे पास एक नंबर है 360। अब इसके लास्ट में 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 36 दो बार 0, इसके भी लास्ट में 0 है। हमने यहाँ लिख दिया 36 3 बार 0, तो इसके भी लास्ट में 0 है। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 0 अगर ऑड नंबर में है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 0 कितना है, 1 है, ठीक है। 1 हमारा ऑड नंबर होता है, हाँ होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमारे पास 0 कितने हैं, 2 हमारा ऑड नंबर होता है, नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 हमारा ऑड नंबर होता है, देखो 3 0 है तो यहाँ पर 3 लिखा, हमने देखा 3 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस ऐसे समझना है जब कभी लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ओके। फिर यहाँ पर है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। मतलब किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव एन प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये सब रटने वाली चीज़ है, ये भी रट लो। ये पाइथागोरियन टिपलेट है ना, इसको भी समझ लो। देखो ये पाइथागोरियन जो टिपलेट 9 वाला आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। आप इसको रट लेना, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर का, दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर का। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं, रट लेने हैं। चलो इतना ही बेसिक समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सके तो इस पूरे को रट लो, आपके लिए अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ये कह रहा है गिव रीजन टू शो डैट। क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है। गिव रीजन शो डैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, ये सारे नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका हमें रीज़न दे देना है, ठीक है। ये हमें बताना है। चलो पहले तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए पहला जो क्वेश्चन है वो है 5372। यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटमेंट जो दी है ना, इसको अभी 5 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, बस आप इसको देखो। 5372 आपको दिखा, ओके। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस नंबर के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 हो या फिर 3 हो या 7 हो या फिर 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो हमें पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने रीज़न दिया है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज द नंबर एंड विथ 2, क्योंकि ये एंड हो रहा है 2 से, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Got it? अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। इसमें हमने देखा लास्ट में 3 है, ये जो 3 है इसमें क्या बताया था, 3 भी वो नंबर है जिससे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर किसी नंबर के लास्ट में आ जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं सेम यही स्टेटमेंट दे दो, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर एंड विथ 3 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, 7 है, तो 7 भी वही नंबर है जो किसी के लास्ट में आ जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो सेम स्टेटमेंट आप यहाँ भी छाप देना। अब 8 देखो, 8 भी वही नंबर है जो किसी के लास्ट में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। तो ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पे जीरो, अभी एक हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर जीरो है और जीरो कितनी बार है, एक बार है, तो एक हमारा क्या है, ऑड है। अगर एक बार जीरो है या फिर समझो कि ऑड नंबर में हमारे पास जीरो है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेम रीज़न दे देना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास तीन बार जीरो है, तीन नंबर है हमारा ऑड, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा पाँच बार जीरो है, पाँच भी हमारा ऑड नंबर है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। देखो अगर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में लिख के दिखाया ना तो ये फालतू की वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बार हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, आप सभी में लिख लेना, सेम स्टेटमेंट रहेगा, बट यहाँ पर 2 की जगह में 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा, और कुछ भी नहीं। चलो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से ये बताओ कौन सा हमारा क्या है, स्क्वायर है, वो भी इवन नंबर का। देखो पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट को पढ़ते हैं। ये कह रहा था स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो देखो जिसके लास्ट में नंबर हमारा इवन है तो वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। देखो जो ये 6 है ये क्या इवन नंबर है ना, 196। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है ये है 196। इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, 6, और 6 एक हमारा इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। अब ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये हो रहा है इसका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन नंबर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये देखो 441, लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा ना वो एक होगा ऑड। अब देखो इसमें जीरो है, दो बार जीरो है, तो मतलब ये हो गया हमारे पास 2, तो 2 हमारा एक इवन नंबर है। अब ये हमारा इवन नंबर है तो इसका मतलब ये हो रहा है जनाब कि इसका जो स्क्वायर होगा 900 का जो स्क्वायर होगा वो भी इवन होगा। 625, देखो 5 ये एक ऑड नंबर है, लास्ट डिजिट देखो हमेशा ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। अब यहाँ पर 4 ये एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब हो रहा है 324 का जो स्क्वायर होगा वो होगा इवन। गॉट इट, समझ में आ गया। सिंपल है, कुछ करना पड़ा नहीं ना, बस ऐसे ही समझ गए इसकी समरी की हेल्प से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हैं इनमें से हमें बताना किस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। सिंपल सी बात है, जो नंबर हमारा ऑड होगा ना उसी का ऑड स्क्वायर भी आएगा। 484, देखो यहाँ लिखते हैं, पहले यहाँ लिखा हमने 484, इसके लास्ट में क्या है 4 हमारा ऑड है या इवन है, ये इवन है। अब ये इवन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो स्क्वायर होगा ना वो भी इवन ही होगा। ठीक है, बट हमें इसमें क्या बताना है, ऑड, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 961, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। 1 हमारा ऑड है या इवन है, ये हमारा ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी हमारा ऑड ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। 7396, इसके लास्ट में क्या है, 6 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये 9 है लास्ट में, 9 हमारा कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है, तो ये सही है। 5 हमारा कैसा नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा ये भी हमारा ऑड आएगा। तो हमने देखा कि 961, 8649 और 4225 ये 3 नंबर हमारे ऑड नंबर हैं। बस हो गया, कितना इजी था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। और विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कहा जा रहा है इसको ऐड मत करो, इसका सम बता दो। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि हर एक नंबर हमारा कैसा है, ऑड है, इवन है, कैसा है हर एक नंबर है हमारे पास। जब कभी हमारे पास ऑड नंबर हो और उसका इस तरीके से क्वेश्चन कहते हैं कि सम करो, वो भी ऐड किए बिना, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, ये भी ऑड, 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 7 भी ऑड, 9 भी, 11 भी, 13 सारे नंबर ऑड हैं। अब इसमें हम लोग रूल लगाते हैं क्या, यहाँ पर काउंट कर लो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर होता है 49, अब इसका टोटल आ गया 49। बस यही हो गया हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। फिर से आ जाओ इसी एक सेकेंड में, यहाँ पर हमने देखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 सारे ही नंबर हमारे ऑड नंबर है। पहला स्टेप है हमें चेक करना है क्या सारे नंबर ऑड है। हाँ सारे ऑड हैं। अब सारे ऑड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसे काउंट कर लिया 10। अब इसका लगा दिया हमने स्क्वायर तो ये हो गया हमारे पास 100। अच्छा अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही कैसे किया जाता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, 10 × 10 मतलब आ गया 100। अब तो कर लोगे ना, चलो आई होप समझ में आ गया आपके। अब इसी में आ जाओ तीसरे वाले में, ये कह रहा है कि भैया इसको भी ऐड कर दो। तो पहले चेक करो क्या ये हमारे ऑड हैं, देखते हैं 1, 2, 3 ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, सारे ऑड हैं तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हो गए 12 हो गए। और यहाँ पर 12 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, है ना कितना सिंपल, बहुत इजी है ये पूरी एक्सरसाइज। चलो अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन 5 एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 81, ये कह रहा है एक्सप्रेस करो कि 81 9 ऑड नंबर का सम है। अब ये 9 ऑड नंबर है कौन से, यही हमें एक्सप्रेस करना है। तो इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था उससे समझो। यहाँ पर देखो 49 लिखा है, अगर आपसे कहते हैं 49 है ना 7 ऑड नंबर का सम है, ये हमें एक्सप्रेस करो कि 7 ऑड नंबर क्या होंगे। तो आप कहोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये हो जाएंगे इसके 7 ऑड नंबर। वैसे ही अब क्वेश्चन कह रहा है 81 है ना 9 ऑड नंबर का सम है, तो अब आपको बताना है कि 81 किन 9 ऑड नंबर का सम है। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, यहाँ बताना है 81 ऑड नंबर कौन से होते हैं। 1 होता है, ठीक है, और क्या होता है हमारे पास 3 होता है, और कौन से होते हैं हमारे पास 5, 7, 9, 11 ठीक है, और हो गया हमारे पास 13, ये हो गया 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर हमने कर दिया 17, 9 तो ये हो गया 9 ऑड नंबर का सम जो कि होता है हमारा 81। हो गया कितना सिंपल, समझ में आ गया ना, ये बहुत सिंपल है। अब ऐसे इसी का क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब यहाँ पर कह रहा है एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें फिर से यही करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया 100, अब हमें इसके 10 ऑड नंबर का सम बता देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, 13, 15, 17, 19 ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 ऑड नंबर का सम और ये कितना मिलेगा हमें 100 मिलेगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरीके से सारे सॉल्यूशन मिलते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कभी भी कुछ भी सर्च करना हुआ करे मैथ से रिलेटेड तो हमेशा एक्सरसाइज, जैसे आपको 3B सर्च करनी है तो आप डालो एक्सरसाइज 3B और पीछे लिख दो राजमित, तो आपको हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में।